हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे पढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्यूटेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी दो ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी दो ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। साथ के साथ हम कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देखेंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर को हम कम्यूटेशन ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में दो ऑपरेटर हैं, ए कैप एंड बी कैप। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर को कैप लगाकर शो किया जाता है, तो इन दोनों ऑपरेटर्स का जो कम्यूटेटर होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों ऑपरेटर्स का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होगा, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वेयर ब्रैकेट ए कैप कॉमा बी कैप स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ऑर्डर यहां पर इंपॉर्टेंट है, पहले ए कैप आएगा, फिर बी कैप, फिर माइनस, फिर बी कैप ए कैप। आप ऑर्डर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप डिनोटेड बाई स्क्वेयर ब्रैकेट ए कैप कॉमा बी कैप स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज इज डिफाइंड एज ए कैप कॉमा बी कैप कम्यूटेटर इज इक्वल टू ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप के कम्यूटेटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है ए कैप कॉमा बी कैप, और इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा जब कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए कैप बी कैप इज इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स जब ये टर्म जो है वो जीरो के बराबर होगी, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप है वो एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो अगर ए कैप कॉमा बी कैप का कम्यूटेटर जीरो हो गया, मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से, तो अगर ये टर्म जीरो हो गई तो इसका मतलब ये है कि ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप के बराबर हो जाएगा। तो आप ये लाइन लिखेंगे यहां पर, इफ कम्यूटेटर ऑफ ए कैप बी कैप इज इक्वल टू जीरो, देन द ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर सेट टू कम्यूट विथ ईच अदर इन दिस केस फ्रॉम वन। अगर ये टर्म जीरो हो गई तो फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी, देन फ्रॉम वन ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमें मिलेगा ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप। मीन्स अगर दो ऑपरेटर्स ए कैप बी कैप एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो ए कैप बी कैप जो है वो इक्वल टू होगा बी कैप ए कैप के। ऑन द अदर हैंड, इफ कम्यूटेटर ऑफ ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द ऑपरेटर्स ए कैप बी कैप डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर एंड इन दिस केस ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। अगर कम्यूटेटर ए कैप बी कैप का इक्वल टू जीरो ना हुआ, तो इस केस में ए कैप बी कैप जो है वो एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करेंगे, और इस केस में ए कैप बी कैप जो है वो बी कैप ए कैप के बराबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी डिफाइन डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स एंड देयर प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स जो हैं वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, मींस कम्यूटेटर ऑफ ए कैप
एंड बी कैप विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कम्यूटेटर ऑफ बी कैप एंड ए कैप। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ, बाय डेफिनेशन वी हैव। अगर हम डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए कैप एंड बी कैप की बात करें, तो अभी हमने पिछले सेक्शन में ही देखा था कि इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। तो अगर हम राइट हैंड साइड में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा बी कैप ए कैप, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, माइनस ए कैप बी कैप। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप एंड ए कैप बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटर। तो हमने प्रूव कर दिया कि कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप एंड बी कैप विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप एंड ए कैप, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो बाकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कॉम्यूटेटर्स, जिसे हम बोलते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप प्लस सी कैप विल बी इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा सी कैप। पहले ए कैप का बी कैप के साथ कॉम्यूटेटर होगा, फिर प्लस साइन है, फिर ए कैप का सी कैप के साथ कॉम्यूटेटर होगा। ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे, इसे हम बोलते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो आप लिखेंगे प्रूफ, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटर वी हैव। तो कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन की बात करें तो ए कैप कॉमा बी कैप प्लस सी कैप, इसे हम कैसे ओपन करेंगे, बाय डेफिनेशन इसे हम ऐसे ओपन करेंगे। पहले हम लिखेंगे ए कैप, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ बी कैप प्लस सी कैप, फिर माइनस, पहले हम ये लिखेंगे बी कैप प्लस सी कैप, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ए कैप के साथ। अब ए कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए कैप बी कैप प्लस ए कैप सी कैप, माइनस ए कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बी कैप ए कैप। अगर ए कैप इधर लिखा है तो इधर ही लिखेंगे आप, इसे पहले नहीं लिख सकते, प्लस सी कैप ए कैप। माइनस साइन ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ए कैप बी कैप प्लस ए कैप सी कैप, माइनस बी कैप ए कैप माइनस सी कैप ए कैप। तो इसको हम इसके साथ लिखेंगे ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ये हमने इकट्ठा लिख लिया, और इनको हम एक साथ लिख देंगे ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप। तो इनको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप, और ये बन रहा है हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटर ए कैप कॉमा सी कैप, क्योंकि इस ब्रैकेट को ओपन करके आपको ये मिलेगा और इस ब्रैकेट को ओपन करके ये मिलेगा। तो हमने इस तरह से लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटर को प्रूव किया है। तो हेंस प्रूव्ड। इसके बाद हम देखेंगे बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज और उनके प्रूफ आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटर्स की। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप सी कैप। यहाँ पर दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर होगा। तो इसका कॉम्यूटेटर हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। पहले आप ए कैप का बी कैप के साथ कॉम्यूटेटर लेंगे, ए कैप कॉमा बी कैप, और सी कैप जो है वो बी कैप के इस तरफ है, तो सी कैप जो है वो ब्रैकेट के यहाँ पर लगाना है आपने। उसके बाद आएगा आपके पास प्लस ए कैप का सी कैप के साथ कॉम्यूटेटर, और क्योंकि बी कैप जो है वो सी कैप के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बी कैप जो है वो आप यहां पर लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। पहले ए कैप का बी कैप के साथ कॉम्यूटेटर, सी कैप राइट हैंड साइड में था तो ये हमने यहां लगाया राइट हैंड साइड में, प्लस ए कैप का सी कैप के साथ कॉम्यूटेटर, क्योंकि बी कैप जो है वो लेफ्ट साइड में था तो हमने इसको लेफ्ट साइड में लिखा है। आइए इसको सेकेंड पार्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का। यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर होगा, तो इस कॉम्यूटेटर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे बी कैप का कॉम्यूटेटर सी कैप के साथ, तो ए कैप कहाँ रहेगा, ए कैप हमारा लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा इस तरह से, प्लस उसके बाद हमारा ए कैप का कॉम्यूटेटर सी कैप के साथ, ए कैप का कॉम्यूटेटर सी कैप के साथ, बी वेक्टर जो है वो यहाँ पर है
लेफ्ट साइड में है ए कैप के, तो बी कैप जो है वो यहां पर आएगा। और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक एक करके प्रूफ करेंगे। आइए स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ए पॉइंट को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे ए पार्ट की, राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप सी कैप कैन बी रिटन एज ए कैप इन मल्टीप्लीकेशन विथ सेकेंड ऑपरेटर जो कि है बी कैप सी कैप माइनस सेकेंड ऑपरेटर बी कैप सी कैप मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा फर्स्ट ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में यहां पर इधर राइट हैंड साइड में बी कैप ए कैप सी कैप एड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आप लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी कैप ए कैप सी कैप ऑन राइट हैंड साइड वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही रहेगी, इज इक्वल टू ए कैप बी कैप सी कैप ए कैप बी कैप सी कैप माइनस बी कैप सी कैप ए कैप। यहां तक बिल्कुल हमने ये उतार दिया। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया क्या b कैप a कैप c कैप और सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या सेम टर्म b कैप a कैप c कैप। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे किसके साथ, इसको हम लिखेंगे इसके साथ। तो हम लिखेंगे a कैप b कैप c कैप, ये आगे लिख देंगे माइनस b कैप a कैप c कैप। उसके बाद हम लिखेंगे इसे, इसे हम लिखेंगे प्लस b कैप a कैप c कैप। उसके बाद हम लिखेंगे इसे माइनस b कैप c कैप a कैप। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है सी कैप। सी कैप क्योंकि राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है इन दोनों टर्म्स के, तो हम राइट हैंड साइड में कॉमन लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉमन नहीं ले सकते सी कैप। तो अंदर रह जाएगा हमारे पास ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप और हमने कॉमन ले लिया सी कैप। प्लस यहां से हम कॉमन लेंगे बी कैप, बी कैप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बी कैप जो कॉमन आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अंदर रह जाएगा ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स ये क्या बन जाएगा, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप बन जाएगा कम्यूटेटर ऑफ ए कैप विद बी कैप और यहां पर आ जाएगा सी कैप। प्लस बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कम्यूटेटर ऑफ ए कैप विद सी कैप। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी का ए पार्ट जो है वो प्रूफ कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रूफ ऑफ पार्ट बी। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रूफ करेंगे पार्ट बी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर थ्री। तो आप लिखेंगे प्रूफ बी पार्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव, तो पार्ट बी के लेफ्ट हैंड साइड में ये है, हम ये लेके चलेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो पहले हम इस कम्यूटेटर को ओपन करेंगे, कम्यूटेटर ऑफ ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेटर जो कि है ए कैप बी कैप, इसका मल्टीप्लीकेशन विद सेकेंड ऑपरेटर दैट इज सी कैप माइनस सेकेंड ऑपरेटर, इसका मल्टीप्लीकेशन विद फर्स्ट ऑपरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, ए कैप सी कैप और बी कैप को। तो आप लाइन लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए कैप सी कैप बी कैप ऑन राइट हैंड साइड वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू ये टर्म हमारी ऐसी रहेगी ए कैप बी कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप बी कैप, ये टर्म भी ऐसी रहेगी। इसमें हमने ऐड कर दिया क्या ए कैप सी कैप बी कैप और सब्ट्रैक्ट कर दिया सेम टर्म माइनस ए कैप सी कैप बी कैप। तो हम पेयर में लिखेंगे इनको, पहले हम ये लिखेंगे फिर हम इसके साथ इसका पेयर बनाएंगे। तो आप लिखेंगे ए कैप बी कैप सी कैप माइनस ए कैप सी कैप बी कैप। उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला टर्म, ये वाली टर्म ए कैप सी कैप बी कैप। उसके बाद हम लिखेंगे ये वाली टर्म माइनस सी कैप ए कैप बी कैप। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से ए कैप कॉमन आ रहा है, ए कैप जो है वो दोनों टर्म्स के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लेंगे आप, इस चीज का आप ध्यान रखना है आपने। तो अंदर रह जाएगा बी कैप सी कैप माइनस सी कैप बी कैप। प्लस यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है बी कैप, बी कैप जो है वो दोनों टर्म्स के राइट हैंड साइड में है, तो अंदर रह जाएगा ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कम्यूटेटर ऑफ बी बी कैप विद सी कैप और ये बन जाएगा कम्यूटेटर ऑफ ए कैप विद सी कैप और बाहर है बी कैप। तो ये टर्म जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कम्यूटेटर से, जिसको हम बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है ये उसको देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा
कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप कॉमा सी कैप इसका सारे का कॉम्यूटेटर प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप कॉमा कॉम्यूटेटर ऑफ सी कैप कॉमा ए कैप इस सारे का कॉम्यूटेटर प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ सी कैप कॉमा कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप इस सारे का कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू जीरो। इसे हम बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी, तो आपको सीक्वेंस में चलना है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। तो यहाँ पर ए कैप है तो यहाँ पर कहाँ से शुरुआत होगी, ए कैप के बाद आएगा बी कैप, तो यहाँ पर बी कैप लिखेंगे। यहाँ पर बी कैप है, बी कैप के बाद क्या आ रहा है, सी कैप आ रहा है, तो यहाँ पर आप सी कैप लिखेंगे। यहाँ पर सी कैप है तो सी कैप के बाद आ रहा है ए कैप, तो यहाँ पर आप ए कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर बी कैप लिखा है तो बी कैप के बाद क्या आ रहा है, बी कैप के बाद सी कैप आ रहा है, तो यहाँ पर आप सी कैप लिखेंगे। यहाँ पर सी कैप है तो सी कैप के बाद ए कैप आ रहा है, तो यहाँ पर आप ए कैप लिखेंगे। यहाँ पर ए कैप है तो ए कैप के बाद बी कैप आ रहा है, तो यहाँ पर आप बी कैप लिखेंगे। और इन तीनों का सम जो है वो जीरो के बराबर होगा। इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो पहले हम इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी फाइंड करेंगे, फिर इसकी फाइंड करेंगे, फिर उन तीनों के रिजल्ट्स को हम ऐड कर देंगे। तो हेडिंग बनाएंगे आप प्रूफ। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटर्स वी हैव, तो कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस कॉम्यूटेटर को हम कैसे खोल सकते हैं, ऐसे खोलेंगे पहला ऑपरेटर जो कि है ए कैप इंटू सेकेंड ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर है हमारे पास कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप एंड सी कैप, तो यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप एंड सी कैप। उसके बाद आता है हमारे पास माइनस सेकेंड ऑपरेटर जो कि है कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप विथ सी कैप और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए कैप। तो इन दोनों को आप ओपन कीजिए डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटर के अकॉर्डिंग। इसे हम खोल के कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बी कैप सी कैप माइनस सी कैप बी कैप। उसके बाद इसे आप खोल के लिखिए, इसे हम लिख सकते हैं बी कैप सी कैप माइनस सी कैप बी कैप ए कैप। ए कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा ए कैप ब्रैकेट हटा दीजिए ए कैप बी कैप सी कैप माइनस ए कैप सी कैप बी कैप। ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे आप, ए कैप लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। यहाँ ए कैप राइट हैंड साइड में तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में और यहाँ भी राइट हैंड साइड में। तो बी कैप सी कैप ए कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी कैप बी कैप ए कैप। इसे हम देंगे फर्स्ट इक्वेशन और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है ए कैप कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप सी कैप का होल कॉम्यूटेटर। जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की वैसे ही आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिमिलरली कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप कॉमा सी कैप कॉमा ए कैप विल बी इक्वल टू। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए सीक्वेंस में चलते रहिए इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ए है तो ए के बाद आ रहा है बी, तो ए के बाद आता है बी, तो यहाँ पर बी लिख दीजिए। बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है ए, ए के बाद आता है बी, सी के बाद आता है ए, बी के बाद आता है सी, बी के बाद आता है हमारे पास सी, सी के बाद आता है ए, ए के बाद आता है हमारे पास बी, सी के बाद आता है हमारे पास ए इसके अकॉर्डिंग, बी के बाद आता है हमारे पास सी, ए के बाद आता है हमारे पास बी। इसे हम सेकेंड इक्वेशन देंगे। तो तीसरा रिलेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, ये वाला, इसको हम ऐसे लिखेंगे सी कैप कॉम्यूटेटर ऑफ ए कैप कॉमा बी कैप इज इक्वल टू। सीक्वेंस में चलेंगे बी कैप के बाद आता है हमारे पास सी कैप, सी कैप के बाद आता है ए कैप, ए कैप के बाद आता है बी कैप, बी के बाद आता है हमारे पास सी कैप, ए के बाद आता है बी, सी के बाद आता है ए माइनस सी के बाद आता है ए, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है हमारे पास सी, ए के बाद आता है बी, सी के बाद आता है ए, बी के बाद आता है हमारे पास सी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे साइड वाइज, तो हमें क्या मिलेगा, एडिंग वन टू एंड थ्री साइड वाइज। साइड वाइज का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को आप अलग से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करके क्या मिलेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को साइड वाइज ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड अलग से ऐड करनी है, राइट हैंड साइड अलग से ऐड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए कैप कॉमा कॉम्यूटेटर ऑफ बी कैप कॉमा सी कैप, यहां पर एक ब्रैकेट और आएगी ध्यान से लिखिएगा, प्लस में ये टर्म लिख देंगे, प्लस में ये टर्म लिख देंगे। अब हमने इन सबको ऐड करना है, तो ऐड ध्यान से करिएगा, ए बी सी है यहां पर, तो यहां पर
प्लस का ए बी सी है, यहाँ पर माइनस का ए बी सी है, ये तो ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पर माइनस का ए सी बी है, यहाँ पर प्लस का ए सी बी है, तो ये सारी टर्म जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। हर एक टर्म प्लस और माइनस में मौजूद होगी, तो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को ऐड करके आपको जीरो मिलेगा, और इसे ही हम बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी ऑफ कम्यूटेटर्स। तो इसके आगे की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कम्यूटेटर्स। एक ऑपरेटर हमेशा अपने साथ कम्यूट जरूर करता है, मींस क्या लिखेंगे आप, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये, एनी ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट्स विद ई इटसेल्फ, दैट इज जो कम्यूटेटर होगा ए कैप का खुद के साथ, मींस ए कैप के साथ वो हमेशा जीरो होगा। इसे भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए कैप का कम्यूटेटर ए कैप के साथ क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई सेकेंड ऑपरेटर जो कि ए कैप ही है, माइनस सेकेंड ऑपरेटर जो कि ए कैप है मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट ऑपरेटर जो कि ए कैप ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। तो सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, एनी ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट्स विथ इट्स ओन पावर, हर ऑपरेटर अपनी खुद की पावर के साथ भी कम्यूट जरूर करता है, मीन्स कम्यूटेटर ऑफ ए कैप विद इट्स ओन पावर मीन्स ए कैप की पावर एन, ये हमेशा जीरो होगा। और इसी तरह से अगर हम ए कैप की पावर एन यहाँ ले लें और ए कैप को यहाँ ले लें तो ये भी जीरो होगा, बट एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वेयर एन शुड बी इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आपके पास लैम्डा इंटू ए का कम्यूटेटर है बी के साथ, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा कम्यूटेटर ऑफ ए कैप विद बी कैप। इसी तरह से एंड अगर हमारे पास ए कैप है यहाँ पर और लैम्डा बी कैप है, तो यहाँ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा ए कैप कॉमा बी कैप, जहाँ पर लैम्डा जो है वो कोई कांस्टेंट है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। तो इस तरह से भी ये इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं कम्यूटेटर की। एक प्रॉपर्टी आप सेकंड प्रॉपर्टी के बी पार्ट में लिख सकते हैं जो कि हमारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी थी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी की एक और फॉर्म भी होती है और वो फॉर्म होती है ए कैप प्लस बी कैप कॉमा सी। यहाँ पर दो ऑपरेटर्स का सम है, यहाँ पर एक ऑपरेटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कम्यूटेटर ऑफ ए कैप विथ सी कैप प्लस कम्यूटेटर ऑफ बी कैप विथ सी कैप। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, और इस प्रॉपर्टी को भी हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स बोलते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स पर लेक्चर जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, इसके आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, कम्यूटेशंस रिलेशंस फाइंड करेंगे बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कम्यूटेशन रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो मिलेंगे उन टॉपिक्स के साथ, टिल देन टेक केयर।